आप हलाल के वो कुछ मत खाइए। आलोक जी, आलोक जी, आप सिर्फ आप इसको हिंदू मुसलमान के भीतर की बात आप देख रहे हैं, लेकिन देखिए जातियां किस तरह से प्रभावित हो। एक दलित का ठेला है, एक दलित का ढाबा है, एक ब्राह्मण का ढाबा है, कांवड़िया पहले कहां जाएगा? आप खुद जवाब दीजिए, कहां जाएगा पहले? राठौर, पूजा राठौर, आप सब्जेक्ट को बिगाड़िए नहीं। यहाँ जाति बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर यह कहा क्या है जो आप नाम है उसको करिए। यहाँ पर यह भी नहीं कहा गया मान बेचिए कि ना बेचिए, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं, सर्वेक्षण हुआ तो पंडित जी वैष्णव ढाबा के नाम से दुकान खुली हुई है, वहां पर माने का नाम सरवर है जो जाति से आता है, उसको लिखा चाहिए सरवर का ढाबा। कभी कभी पंडित जी का नाम लाके पंडित जी कौन होते हैं, जहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है वहां पर। हम अगर व्रत में है तो हम व्रत वाले जब जाएंगे तो हम ढूंढेंगे। लेकिन अब जो सवाल खड़े उसका जवाब दीजिए ना, एक दलित का ढाबा है और एक एक या ब्राह्मण का ढाबा है, कांवड़िया पहले कहाँ जाएगा आप बताइए? जाति की बात नहीं हो रही है, आप ये न्यूज 24 को जातियों बांट रहा है, ये आपके शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी है, सरकार ने सवाल पूछ रही हूं ना, मैं सवाल गलत है आपका, मैं सवाल पूछ रही हूं आप जवाब दीजिए। सवाल गलत है आपका, सवाल गलत है आपका। आप जातियों बांट करके विद्वेष क्यों फैला करना चाह रहे हैं? न्यूज 24 बताना चाहिए धर्म में। अरे जब नाम सामने आएगा, कास्ट सामने आएगी तो कास्ट का छुआछूत नहीं मानता है कोई। आप ये तो मैं नहीं कह रही, तो मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह रही, आप कह रही है, आपने उनका ट्वीट पढ़ा होगा, आप कह रही है, न्यूज 24 कह रहा है ये बात, ये हमारे नेता नहीं कह रहे। यहाँ पर मैं आपको मुख्तार अब्बास नकवी, आपको मैं उन्हीं का ट्वीट मैं बकायदा एकदम शब्दशः मैं पढ़ के सुना देती हूँ, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। ये बात तो खुद आपके नेता कह रहे हैं भाई। किस संदर्भ में कही है, उसका संदर्भ का उल्लेख इसमें कहीं पर नहीं है। आप वो किस छुआछूत की बात कर रहे हैं, आप समझाइए किस छुआछूत की बात कर रहे हैं। छुआछूत की बात वो वही कह रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को जोड़िए लाइन पर, उनसे पूछिए भाई साफ तौर पे, वो देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं, जन्म जात मत पूछिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके नेता कह रहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात किसके लिए कह रहे हैं आप बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है आप मुझे बता दीजिए किसके लिए कह रहे हैं। ये तो आप मतलब निकाल रही है ना, हम तो नहीं समझ पा रहे कि वो किसके लिए कह रहे हैं और क्या संदर्भ उन्होंने लिया है। साफ साफ उन्होंने यहाँ पर पूरा दोहा लिख दिया और अभी भी आप पता नहीं किस कंफ्यूजन में है। फखरुल जी, अरे भाई दोहा किस संदर्भ में लिख रहे हैं, आपके अपने आप स्वतंत्र है, कहीं भी जोड़ लेंगे लाइन को जाकर के। मुख्तार अब्बास नकवी को फोन पर जोड़ लीजिए, फोन पर अभी आप पूछ लीजिए उन्होंने किस संदर्भ में लिखा है। नहीं, आलोक जी, केसी त्यागी जी जो आपके सहयोगी है, वो किसके लिए कह रहे हैं उनके, वो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको, या वो भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है? नकवी जी का आप, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझना चाहते आप। केसी त्यागी जी आपको कितने सत्ता को समर्थन देंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी बोलने लगे हैं, लगट के बात करता हूँ फखरुल अल्लाह साहब। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, कह ही रहे ना, वो तो साफ कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, आप दोनों साथ साथ बोलेंगे तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी, दर्शक भी नहीं समझ पाएगा। अगर अपनी बात आप कहना चाहते हैं तो एक एक करके कहिए। आलोक जी पहले आप बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है फखरुल हसन चांद साहब से, आप समाजवादी पार्टी और मैं भाजपा छोड़ देते हैं, आप मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसी गैर मुस्लिम के यहाँ जाकर के झटके वाला मीट खा लेंगे क्या? क्या आप वहां पे ये नहीं देखेंगे कि वो हलाल है या नहीं है? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। पहले तो आप बताइए ना मुझे, आप ये मेरे से कह रहे हैं, आप यहाँ पर सवाल हमारे ऊपर उठा रहे हैं ना, आपके नेता जब सवाल उठा रहे हैं तो आप उन्हें समझाइए ना, आप तो अपने स्तर पर विफल हो रहे हैं आलोक जी। नहीं, कोई विफल नहीं हो रहे हैं, जनता समझ रही है, सरकार जनता के, आपके नेता नहीं समझ रहे लेकिन जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। और आपने ये विषय इसीलिए उठाया है कि जनता समझे कि स्थिति क्या है। एक गैर हिंदू जो है धार्मिक नाम राम भोजनालय रख करके वैष्णो ढाबा चला रहा है और वो शुद्धता का वहां प्रदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कांवड़ यात्रा जो एक धार्मिक यात्रा है जो मात्र अभी सावन में चलेगी 10-12 दिन, उसके लिए प्रतिबंध है क्या? ऐसे व्यक्ति का सात्विक ढंग से खाना, क्या हम उसके पवित्रता का ध्यान नहीं रख सकते? चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी का बयान भी सामने आ गया है, थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा आलोक जी, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। जरा चलाइए मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं। सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने
सारे कम्युनल कन्फ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा का और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा यही ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। अब बोले आलोक जी, अब क्या कहेंगे? मेरा अभी भी ये बात कहना है, धार्मिक स्वतंत्रता पूरे भारत में व्याप्त है, हिंदू मुस्लिम में सौहार्द है, हम आपस में बिजनेस भी करते हैं, दोस्त भी हैं। ये आदेश सौहार्द बढ़ाएगा आपको लग रहा है? अब बिल्कुल बढ़ाएगा, इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि जो धार्मिक यात्रा पे लोग निकले हैं मात्र 12 दिन के लिए, जो व्रत रख के दौड़ रहे हैं, जो सात्विक भोजन करना चाह रहे हैं, जो लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, ये उनको स्पष्टता देगा और उनको इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये देश का हमारा कानून भी कहता है। तो ये आजादी दिलाने की बात आपको आज याद आई है? कांवड़ यात्रा कब से निकल रही है, कब से ये दुकानें लग रही होंगी? कोई आजकल में तो लग नहीं रही, पहली बार तो लगेंगी नहीं? चर्चा आज आप कर रही है, हमेशा से आदेश है यूपी में, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है भाई, नेम प्लेट लगानी होगी, ये आदेश तो पहली बार ही आया है। नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, ये पिछले साल भी आदेश था, आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, वो आपको आदेश के प्रति दे देंगे। तो उन्हें आदेश को पारित करना पड़ा, ये भी समझा दीजिए, क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? अच्छा, अगर आदेश पहले से पारित है तो क्यों ये नया आदेश जारी करना पड़ा? मेरे कहते पूजा राठौर जी, आप अच्छी विद्वान एंकर हैं, आप हिंदू धर्म का पालन करती होंगे, मुझे भी ये भी पता है, आप कभी कभी व्रत भी रखती होंगी, मुझे भी पता है, व्रत के दौरान पे आप सात्विक भोजन करना ही चाहेंगी ना, ये तो सही है ना, कि आप कहीं पे भी जहाँ मांस भी बिक रहा है और जहाँ सब कुछ लहसुन प्याज भाई, अब तक तो जो कांवड़िया जा रहा था बगैर ये जाने के हिंदू का या मुसलमान का है, ब्राह्मण का है, दलित का, वो चला जाता था। पूजा शर्मा जो सवाल, और वही आस्था की शुचिता, तो वो जो ढाबा चला रहा है वो भी वो बनाए रखता ही आ रहा होगा ना? हाँ, तो क्या क्या बना रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? पंडित भोजनालय का मालिक सर्वर क्यों है, पूछिए उससे, उसको अपने धर्म के नाम से भोजनालय खोलने की क्यों नहीं आवश्यकता है? अपना नाम छुपा करके दूसरे धर्म के नाम से होटल खोल करके, और जो है जो सात्विक भोजन करने वैष्णो ढाबा में खाना खाने आ रहे हैं कि यहाँ लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, और जो बनाने वाले लोग हैं वो लहसुन प्याज और मांस खाते हैं, उनका धर्म अनाउंस करता है, उसको छुपा क्यों रहे हैं? अपनी बात को बहुत क्लैरिटी से रख रहे हैं, चाहे उनके तमाम जो नेता हैं वो समझे ना समझे, लेकिन आलोक जी ने इस बात को बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखा जी। आलोक अवस्थी जी ने एक सवाल पूछा कि आप रोजा रखते होंगे तो आप ध्यान रखते होंगे, और आप भी जाते होंगे, देखते होंगे कि कहां खाना है। हमारे मित्र हैं मधुकर अवस्थी जी, मैं उनके घर गया, रोजा था, उन्होंने रोजा उतार रखा था, मैं उनके घर गया, मैंने उनसे नहीं पूछा कि आपने खाना कैसे बनाया था, किसमें आपने हमें पकौड़ी तल के दिए, कैसे तल के दिए, क्या अरेंजमेंट किया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे लोग इसी तरीके से एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। ये बात आलोक अवस्थी समझ में आ सकती, और अगर वो मधुकर अवस्थी मेरी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते तो देश में रहने वाला मुसलमान भी सभी धर्मों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता। बहुत अच्छी बात है आलोक अवस्थी जी, शायद आप इसको आपने एक एग्जाम्पल दिया और आपने उसको नियम बना दिया, आपको एक चार तीन चार दुकानें ऐसी दिखी या दो तीन दुकानें आपको ऐसी दिखी कि अलग नाम से, नाम अलग है, मालिक किसी और धर्म का है, तो आपने नियम बना दिया ऐसे। पकरोल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो मधुकर अवस्थी जी क्या रोजा खोलने गए, मैं भी कई रोजा इफ्तार में हिंदू होने के नाते शामिल हुआ हूँ। पकरोल हसन चांद साहब, जब आप मधुकर अवस्थी के यहाँ गए तो आपको पता था कि आप मधुकर अवस्थी के यहाँ जा रहे हैं, किसी नवाब के यहाँ नहीं जा रहे हैं। उसी तरीके से जब हम भोजन करने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम श्री राम भोजनालय में जा रहे हैं, हम किसी सर्वर के।